नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मिस्टर टेकी और आज हम बात करेंगे डिटेल में सैमसंग टर्बो स्पीड टेक्नोलॉजी और स्मार्ट ग्लो एप्लीकेशन के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं सैमसंग की टर्बो स्पीड टेक्नोलॉजी के बारे में। तो हम अगर कहें कि हमें अपने फ़ोन में बेटर परफॉर्मेंस चाहिए, तो आपके भी दिमाग में या मेरे दिमाग में एक कॉमन चीज़ आती है, हम परफॉर्मेंस को बेटर कैसे कर सकते हैं। या तो आप प्रोसेसर को बढ़िया कर दीजिए या रैम बढ़ा दीजिए। सिंपल, ये दो तरीके सबसे पहले आपके और मेरे दिमाग में आएंगे। ज़्यादा रैम रहना या ज़्यादा बढ़िया प्रोसेसर रहना है, हर वक्त एक सोल्यूशन नहीं हो सकता। तो सैमसंग ने टर्बो स्पीड टेक्नोलॉजी J2 और J2 प्रो में इम्प्लीमेंट करी है। तो इस टेक्नोलॉजी के अंदर तीन स्ट्रैटेजी हैं सैमसंग की, जिसको उन्होंने यूज़ किया है बेटर परफॉर्मेंस के लिए। तो कंप्लीट पर्पस है एक बेटर यूज़र एक्सपीरियंस लाना, एक बेटर परफॉर्मेंस देना फ़ोन के अंदर। तो जो तीन स्ट्रैटेजीज हैं, मैं उसके बारे में आपको थोड़ा बताना चाहूँगा। सबसे पहली स्ट्रैटेजी है कि नेटिव ऐप्स की साइज़ को छोटा करना। नेटिव ऐप्स मतलब बिल्ट इन ऐप्स जो होती हैं, जैसे सैमसंग का खुद का डायलर है, सैमसंग का खुद की कॉन्टैक्ट्स की ऐप है, तो उनके साइज़ को छोटा कर दिया है। तो जब इसको ओपन करते हैं तो साइज़ छोटा होगा, तो रैम में कम स्पेस लेंगे तो हमारे पास ज़्यादा रैम अवेलेबल रहेगी, तो परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली बेटर हो जाएगी। दूसरी टेक्नोलॉजी है प्रोएक्टिव ऐप मैनेजमेंट। जी हाँ दोस्तों, जैसे आप अपने फ़ोन में मल्टीटास्किंग करते हैं, आप एक टाइम पे व्हाट्सएप कर रहे हैं, फेसबुक कर रहे हैं, या आपको ईमेल में अटैचमेंट देनी है, तो एट अ टाइम 3-4 मैक्सिमम 5 ऐप्स में आप काम कर रहे होंगे। बट होता क्या है, कभी कभार ज़्यादा ऐप्स हमारे फ़ोन में ऑलरेडी खुली रहती हैं। से फॉर एग्जाम्पल, आप सुबह उठे, आपने क्लॉक में अलार्म सेट किया हुआ था, आपने अलार्म बंद किया, क्लॉक तो ऑन रहेगी, वो रैम में ऑटोमेटिकली पीछे रहती है, वो चलती रहती है बैकग्राउंड प्रोसेस में उसका। तो उस केस में क्या होता है, ऐसे ही काफ़ी सारी ऐप्स जिसको आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, काफ़ी देर से इनएक्टिव हैं, वो चल रही हैं, तो इससे क्या होता है, रैम ऑटोमेटिकली फेल होती जाती है। और आपके पास रैम कम होती है तो आपका एक्सपीरियंस जो है बेकार हो जाता है आपकी, क्योंकि परफॉर्मेंस नहीं मिलती है। तो उस केस में सैमसंग ने क्या किया है, अपने प्रोसेस में उन्होंने एक ऐसी चीज़ इंप्लीमेंट करी है, जो इनएक्टिव ऐप्स हैं उनको इंटेलिजेंटली उनको रिमूव कर दिया बैकग्राउंड से, रैम के अंदर से मेमोरी को फ्री करा, और उनके जो सिस्टम प्रोसेसेस होते हैं उनको भी किल कर दिया। तो तीसरी इम्प्लीमेंटेशन की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो है आपका इसके अंदर TST के अंदर इंटेलिजेंट मेमोरी कंट्रोल। सैमसंग कहता है कि मेमोरी को फ्री रखना एक अलग बात है और मेमोरी को अरेंज करके रखना एक अलग बात है। तो जो ऐप्स होती हैं, जो डीक्लस्टर होती हैं, जो इधर उधर फैली होती हैं, उनको रीअरेंज करना, जैसे आपका एक वार्डरोब है, वार्डरोब में सारी चीज़ें फैली होती हैं और एक के ऊपर एक चीज़ों को रख के अरेंज कर देंगे तो आपके पास ज़्यादा स्पेस मिल जाएगी। सिमिलर थिंकिंग है इस टेक्नोलॉजी के अंदर भी, कि जब आप रीअरेंज कर देंगे ऐप्स को, आपके पास जो है रैम, मतलब आपको ऑटोमेटिकली मेमोरी आपकी इंक्रीज हो जाती है, तो आपकी परफॉर्मेंस और आपका यूज़र एक्सपीरियंस बेटर हो जाता है। तो इन तीनों का कॉम्बिनेशन इस टर्बो स्पीड टेक्नोलॉजी, जो J2 प्रो और J2 में सैमसंग ने इम्प्लीमेंट करी है। तो ये था सैमसंग की टर्बो स्पीड टेक्नोलॉजी के बारे में। और अब बात करते हैं सैमसंग की न्यू टेक्नोलॉजी, एक न्यू एप्लीकेशन जो है स्मार्ट ग्लो इंडिकेटर। ये फीचर आज के स्मार्टफोन्स में नया है, एक LED कैमरा के आसपास देखने को मिलता है, जिसमें डिफरेंट कलर्स को आप कस्टमाइज कर सकते हैं अलर्ट्स या नोटिफिकेशंस के लिए। इसमें दो टाइप्स के अलर्ट हैं, प्रायोरिटी और यूसेज अलर्ट, और तीसरा इसमें दिया गया है सेल्फी असिस्ट। प्रायोरिटी अलर्ट्स आप सेट कर सकते हैं किन्हीं 4 कॉन्टैक्ट्स या ऐप्स की कलर नोटिफिकेशन को। यूसेज अलर्ट में आपको बैटरी, डेटा और स्टोरेज की अलर्ट्स मिलती हैं। सेल्फी असिस्ट आपको हेल्प करता है रियर कैमरा से सेल्फी खींचने में।